अम्मी चलें। अम्मी मेरी बहन लावारिस नहीं है, मैं उजाला अप्पी को खुद को इस अजियत में डालने नहीं दूंगी। इस शादी को हम लोग रोकेंगे, अरमान भाई की दूसरी शादी नहीं होगी। जिन घरों में बाप भाई का मजबूत सहारा नहीं होता ना, उन घरों की बेटियां कमजोर नहीं होती। जब मेरी बहन अल्लाह की जात पे भरोसा रखती है तो भला मैं क्यों मायूस हो सकती हूँ। अम्मी चलें, ये वक्त रोने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है, चलें। जाला, कहाँ जा रही हो? अभी आई। किस किस से अपने आंसू छुपाओगी? नहीं वो दादी, लगता है आग में कुछ चला गया। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता बेटा। अब भी वक्त तुम्हारे हाथ में, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो इस वक्त भी ये शादी रोक सकती हो। सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने ऊंचे नाम के लिए। सब तुम्हारा साथ देंगे बेटा। जिसका साथ चाहिए दादी, जब वो ही साथ नहीं तो फिर क्या फायदा? अरे छोड़ो अरमान को, वो तो बेवकूफ है, उसको खरे खोटे की कहां पहचान। अरमान को ही तो नहीं छोड़ सकती। इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। नगीना। जी अम्मा जी। बेटा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, घर जाके आराम करूँ। जी अम्मा जी, अभी बोलती हूँ। आप लोग कहाँ जा रही हैं? हमें अंदर जाना है, अरमान भाई से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती, इस वक्त वो किसी की मदद नहीं करेंगी। आपको मांगने वाले लिखते क्या? देखिए बीबी, इस वक्त आप यहाँ से जाएं, मुझे इजाजत नहीं है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। अंदर मेरे दामाद की शादी हो रही है, आप कह रहे हैं आप हमें अंदर नहीं जाने देंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे रोकते हैं आप हमें। आप यहीं रुक जाएं, मुझे सख्ती पे मजबूर ना करें। क्या हो रहा है यहाँ पर? वालेकुम सलाम बेटे, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे साहब। ये दोनों खातिन मेरी सुनी नहीं, अंदर जाने के लिए जिद कर रही है, कहती है अरमान साहब से मिलना है। अच्छा आप जाए ना आंटी, प्लीज चलो बेटा। आप बाहर जाएं, देखें सब ठीक है बाहर। हाय उजाला, हाय। अब देखूंगा तुम्हारा सबर और शुक्र। बहुत अजीम बनना चाहती हो ना, मजा तो अब आएगा। सिक्का मैंने उछाल दिया है जिसमें दोनों तरफ हार तुम्हारी है। अम्मी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगा था आप पर इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा और हम ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? कोई जुल्म नहीं हो रहा, क्या हो गया? बस कर दे आप ही, अरमान भाई की दूसरी शादी हो रही है, इस जुल्म नहीं है तो और क्या है? अनु प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो, सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, कोई सुनने का तो क्या होगा? अच्छा होगा कि सब सुन ले, उन लोगों को भी तो पता चले यहाँ पे हो क्या रहे हैं आखिर। हमें खुदा के वास्ते इसको चुप कराए, इसको लेकर जाए। बिल्कुल सही कह रही हो उजाला, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, मैं खुद सबिया बेगम और अरमान से बात करूंगी, वो तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। क्या हो गया, कौन सा जुल्म हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? आप खुश हैं? ये खुश होता हुआ चेहरा है? आप खुद से तो झूठ बोल सकती हैं आप ही, मगर हमसे नहीं। अच्छा मैं आप दोनों को आके घर में बाद में
सब कुछ समझा दूंगी। आप प्लीज अभी इसको लेके चली जाएं, प्लीज अम्मी, प्लीज। अम्मी उजाला अभी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलें। बिल्कुल सही कह रही है, अब अरमान से ही बात हो। अम्मी 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 प्लीज अम्मी। रुक जाइए काजी साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? अम्मी आप लोग प्लीज जाएं यहां से। तुम चुप रहो उजाला, मैं यहां पर ये शादी रुकवाने के लिए आई हूं। अरमान आपने तो ये रिश्ता निभाने की कसम खाई थी, आपने कुरान पर हाथ रखा था, अब ये सब कैसे कर सकते? उजाला अपनी माँ से कहो कि वो यहाँ से चली जाए। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक अरमान भाई अपनी शादी से इनकार नहीं कर देते। यही तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? आप लोग को तो बिल्कुल भी खुदा का खौफ नहीं है, और अरमान भाई आपकी और आपकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था और आप सौतन लेके आ रहे हो उनपे। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं, इसमें क्या गलत है? अगर आपकी कोई बेटी होती और आपका दामाद ऐसा कुछ करता तब भी आप यही कहती? क्यों हम सबको रुस्वा कर रही हो? तुम अपनी माँ को बताती क्यों नहीं हो कि ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रही है? हमें यहाँ सरेआम बदनाम करने के लिए तुमने इजाजत दी थी? अम्मी ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। अरे ये आपदा यहाँ क्यों सो रही है? उठाओ इसे। आपदा 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 उठो आपदा। अम्मा जी लगता है नींद की गोलियां खा के सोई है, हिल भी नहीं रही है। अच्छा पानी डाल के उठाओ, काम के वक्त तुम लोग ऐसे ही काम चोर हो जाते हो। क्या अम्मा जी सबके साथ अब मुझे भी डांटने लगती हैं, लाती हूँ पानी। आपदा आपदा बेवकूफ मत बने आप ही, खुदा के लिए यहाँ से चले जाए आप लोग, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा तमाशा मत बनाए, मेरी सारी मेहनत मत जाया करें। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझसे कुछ भी कहे मैं तेरे दिल का हाल जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी मेरा घर बर्बाद मत करे। मैं तेरा घर पर बात करने आई, मैं तेरी माँ, मैं तेरा घर पर बात करने आई। हाँ हाँ आपको अपू जी और जोए भाई का वास्ता है, खुदा के लिए यहाँ से चली जाए यार। इतने बड़े बड़े वास्ते मत दे उजाला, मेरे लिए तो यही काफी है यहाँ से जाने के लिए कि तूने अपनी माँ से कहा, मुझसे कहा कि मैं तेरा घर बर्बाद करने आई हूँ। चलो कदम।
आपदा, आपदा उठो, आपदा, आपदा उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, ओह मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है। अच्छा आप जल्दी उठो घर जाओ, सभिया ने देख लिया तो कयामत हो जाएगी। चलो नगीना उठ जाओ, ये सब चीजें किचन में रख के आओ और घर चली जाना। दिल की गली से गुजर गया तू, हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा, तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। वादा हुआ है यूं मुझे, उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। वादा हुआ है यूं मुझे, उलझी हुई एक डोर है, नैना मुनाफिक है तेरे दिल में तेरे कुछ और है। तेरा हो भला ना, मुझे पानी वानी क्या करूं क्या करूं। अम्मी मेरा और आपका काम सिर्फ आपी को समझाना था, मगर अब वो नहीं मान रही तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी बच्ची अपने आप को तबाह कर रही है, मैं खुद उसकी बर्बादी का तमाशा देख रहा हूँ। काश 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 वो मेरी बात मान लेती, मेरे बात सुन लेती, लेकिन नहीं। किसी तरह से अपनी बच्ची को उस अजाब से खींच कर बाहर निकाल लो, सब कुछ बदल जाए, वो बर्बाद होने से बच जाए किसी तरह से। अम्मी उजाला भी किसी की बात नहीं मानेंगी, आपने देखा था ना वो तो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती ना कि उजाला भी अरमान भाई को इस शादी से रोक लेंगी तो मैं और आप दोबारा उनके पास जाते, उनसे इल्तिजा करते कि वो नहीं मानेंगी। ला
या मेरे अल्लाह, कोई तो दुनिया में ऐसा हो जो मेरी बच्ची को समझा दे, उसको रोक ले। वो सौतन का दुख नहीं झेल सकती। इतनी हसास है मेरी बच्ची, कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? क्या करूं मैं? मम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पिए। मैंने सबको मुबारकबाद दे दी, तुम्हें तो मुबारक दी नहीं। सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा ही बनता है ना, तुमने तो करवाई है ये शादी। सो कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक। वैसे कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मैं क्यों आपको अपनी फीलिंग्स बताऊं? आप मेरे क्या लगते हैं? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। लेकिन वो जो तुम्हारा सब कुछ लगता था, अब तो वो भी कुछ नहीं लगता, किसी और का हो गया ना। वैसे तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारे हुस्न को और बढ़ा रही है। बहुत प्यारी लग रही है तुम, बहुत प्यारी लग रही है। बकवास बंद करें, शर्म आनी चाहिए आपको, चले जाइए यहाँ से। तुम हर वक्त मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? सारा गुस्सा मुझे पर आता है, अपने शोहर पे भी कर लेती थोड़ा, तो आज उसकी दूसरी शादी ना होती और तुम्हारी आंखों में आंसू ना होते। मुझे आपकी झूठी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ तो चलो ऐसे ही सही, कि जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, उन्हीं की बात मान ले। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें समझाया, समझ जाती तो आज ना तुम्हारी आंखों में आंसू होते और ना तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी। आपको क्या, मैं जानती हूँ अच्छी तरह, आप जैसे लोग दूसरों के दुखों को इंजॉय करते हैं। मजा आ रहा है आपको मेरे आंसू देख कर? सुनो तो सही, रुको तो सही। क्या लड़की है यार, खुद ही अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दे। मैं भी ऐसी लड़की से शादी करूंगा, कमाल है वैसे। हे कोमल, व्हाट्स अप बेबी? हमजा, बहुत बेमुरव्वत हो तुम, कल से आई हुई और एक फोन कॉल नहीं की। जानू, आई टोल्ड यू ना, अरमान की शादी है, बस उसी में बिजी। क्या अभी तक उसकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी तो हो गई है, लेकिन सब कुछ मैंने ही करना था तो उन्हीं कामों में बिजी था। अभी भी मैं उसके घर जा रहा हूँ। अच्छा, जनाब के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मैंने तो पूरा प्लान बना लिया था, और पता है मेरी तो रूममेट भी नहीं है आज। व्हाट, पहले क्यों नहीं बताया? मिलते हैं ना। तो तुम आ रहे हो ना जान? बस आज की रात तुम्हारे ना, हमारे ना। तो मुझे पहले बता देती ना, मैं अरमान की शादी ना अटेंड करता, तुम्हारे पास आ जाता और अभी तुम्हारे साथ होता। ओह, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, और अरमान की शादी छोड़ दो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब आ रहे हो? वेट तो मैं भी करूंगा कि कब मैं तुम्हारे पास होऊंगा, कब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। बाय बाय। ओह, हे मोना डार्लिंग। यार, ओ हाँ, मैंने तो तुमसे कहा था कि आज मैं तुम्हारे पास नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ, वो अरमान की शादी, यू नो। हाँ आई नो, शादी तो हो गई, टाइम भी हो गया, लेकिन वो अरमान की दादी को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा, यू नो, ओल्ड लेडी। अब अरमान अपनी दुल्हन को छोड़ के तो नहीं जा सकता ना हॉस्पिटल, तो मुझे ही जाना होगा, यू नो, आई जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीवन। बट कल ऑल डे ऑल नाइट जस्ट यू एंड मी, बाय। कुछ तो बात है हमजा साहब,
जो आपका जादू हर लड़की पर चढ़ जाता है। रुक जाएं। अरमान, आप सोबिया को इस तरह घर में नहीं ला सकते। ये तुम क्या कह रही हो उजाला? एक नई नवेली दुल्हन को घर में इस तरह नहीं लाया जाता। उसका तो इस्तकबाल किया जाता है बड़े लाड प्यार से, नखरे उठा के उसे उसके नए घर में लाया जाता है, जहां वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी गुजार देती है। उसका तो इस तरह वेलकम किया जाता है कि वो सारी जिंदगी इस दिन को नहीं भूलती। वो एक एक लम्हा उसके लिए सारी जिंदगी के लिए खुशियों का सामान बन जाता है। प्यार, मोहब्बत और खुशियों भरा। अल्लाह करे आप दोनों हमेशा खुश रहें, तुम्हें हर वो खुशी मिले जो एक दुल्हन का हक होती है। अब तुम अंदर आ जाओ। अरे एक मिनट एक मिनट, जब इतना शानदार इस्तकबाल हुए तो एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर भी होनी चाहिए, क्या ख्याल है? लेट मी टेक सेल्फी। उजाला, आओ ना, तुम्हारे बगैर ये फ्रेम कैसे पूरा होगा? तुम्हारी वजह से ही तो ये रौनक है, सो प्लीज। ऑलराइट एवरीवन, उजाला जी प्लीज, एवरीवन स्माइल। अब आप आ सकती हैं दुल्हन। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। जिस तरह सूरज कभी मगरिब से नहीं निकल सकता, उसी तरह सबिया बेगम की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अम्मी आप समझने की कोशिश करें,
वो इस निकाह के नाम पर हमें खरीदना चाहते हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। सारी गलती मेरी ही थी। उजाला ठीक कहती थी, मुझे उसकी शादी अरमान से करनी ही नहीं चाहिए थी। हे बेबी। हमजा, वेयर आर यू? हाँ मैं बस रास्ते में हूँ। पता है आज मैंने तुम्हारी पसंद का कलर पहना है, हर चीज तुम्हारे पसंद की है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। प्रिटी, कितना प्यारा है सब कुछ। अच्छा लगा ना? बहुत। तुम्हें पता उजाला ने ये सब कुछ अपने हाथों से सजाया। एक बात तो माननी पड़ेगी उजाला के बारे में, हर किसी की पसंद नापसंद का उसको बहुत पता है। अब देखो ना, she exactly knew what kind of flowers you like, और उसने उसी से कमरा सजाया। आओ ना बैठो, तुम थक गई होगी ना। कितने प्यारे फूल हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ये फूलों से बहुत एलर्जी है, लेकिन मैंने उजाला से कहा भी कि ये फूल बस कर दो। उजाला उजाला उजाला, मैं चली जाती हूँ उसको। अरे सोफिया, सोफिया काम डाउन, क्या हो गया तुम्हें? हमारी शादी की रात है और तुम उजाला के गुनगाए जा रही हो, दैट्स व्हाई। सोफिया, मैं बस ऐसे ही कह रहा था यार। लुक आई एम सॉरी, आज हमारी शादी की पहली रात है और अगर तुम आज भी इस तरह लड़ोगे तो किसना चलेगा आगे। हाँ हमें तो खुश होना चाहिए। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, बस आई एम रियली सॉरी यार, आई डिडंट मीन टू से इट। क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर सकती? By the way, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। One second. कैसा लगा? बहुत प्यारे। बेल्जियन डायमंड्स। बहुत खूबसूरत। तुमसे ज्यादा नहीं सोती। सोफिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोई नहीं, इतनी रात हो रही है। हाँ बेटा, जिस माँ की औलाद तकलीफ में हो वो कैसे सो सकती है? उजाला ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तो उसको इतना समझदार समझती थी। अम्मी,
मेरे तरमान भाई पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा था। मैं समझ गई थी कि वो लड़की उनकी दोस्त नहीं रह सकती। काश उजाला में सब कुछ सच बता देती, शायद ये शादी ना होती, शायद मैं उसे सौतन के दुख से बचा लेती। हम उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए तो उजाला अपनी हमें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी हम परेशान हो। उजाला बचपन से ही ऐसी, अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों पर कुर्बान कर देना है उसका वतीरा। बचपन में जो तुम्हारे अब्बू उसके लिए कोई खिलौना, कोई मिठाई, कोई चीज लेके आते थे, वो या तो तुम्हें दे देती थी या जोहेब को। लेकिन मैं अपनी बच्ची को कैसे समझाऊं कि शोहर कोई खिलौना नहीं होता जिसको उठा के किसी और को दे दिया जाता है। मम्मी अब हम क्या कर सकते हैं, जो होना तो वो तो हो गया ना। हाँ, सच कह रही हो, मैं अपनी बच्ची की खुशियों को नहीं बचा सकती, इसी का तो दुख है मुझे सारा। काश हमें ये सब पता ही ना चलता मम्मी, अरमान भाई की दूसरी शादी का हमें जिंदगी भर इल्म ना होता। बाज़ वक़्त हकीकतें कितनी दर्दनाक होती है ना अम्मी। बस करे ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चले लेटे। या अल्लाह, मेरी उजाला को अपनी हिफाजत में रखना, पता नहीं वो किस हाल में होगी। मेरी सो जाए ना, आपको सुकून मिलेगा, चले लेटे। अरे कहाँ नींद आएगी मुझे बेटा। अम्मी लेटे ना, आंखें बंद करें नींद आ जाएगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, अरमान सिर्फ मेरा है, उसके बारे में इस तरह सोचने की हिम्मत भी नहीं करना और खुद को उसकी बीवी समझने की कोशिश भी नहीं करना। प्लीज खुदा के लिए, मैं सोफिया से शादी करना चाहता हूं, मुझे मत रोको। रुकिए अरमान, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ। इतने सारे आंसू, इतना सारा गम, प्लीज इतना मत रोना, नहीं तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। वैसे मैंने वो सुना है कि इंसान को रोते वक्त किसी के कंधे की जरूरत होती है, अब अरमान तो सोबिया के साथ, यू कैन यूज माय शोल्डर इफ यू वांट, मैं हाजिर। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। I
जाने का अज़का लहू मिन अल्लाह। خبير بما يسمعون